हाँ मेरे क्लास 12th के प्यारे बगलोग, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगलोग, आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का ऑब्जेक्टिव। किसका ऑब्जेक्टिव? हिंदी का ऑब्जेक्टिव। आज हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 8 चलेंगे बगलोग, है ना। कौन सा चैप्टर? तो चैप्टर नंबर 8 चलेंगे, जिसका नाम है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ बगलोग, आज हम लोग इसी का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, है ना। तो चलिए बगलो, हम आपको वीडियो शुरू करने से बता देते हैं पहले कि इसमें आपको 42 क्वेश्चन दिया गया। कितना क्वेश्चन है? 42 क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है कि इसको आप पहले खुद से बनाइएगा, है ना। उसके बाद जो हम आंसर बताएंगे उससे आपको मिलाना है। अब लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना नंबर का सही जवाब दिया। क्लियर है? तो इससे क्या होगा, इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा और साथ साथ में आपका टेस्ट भी हो जाएगा। तो है कि नहीं मज़ेदार चीज़? तो चलिए बगलो, शुरू करते हैं वीडियो को, है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कहता है। कहता है सिपाही का माँ, है ना, सिपाही का माँ शीर्षक पाठ का साहित्यक विद्या क्या है? क्या है साहित्यक विद्या, क्या है बगलो? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, एकांकी। क्या है बगलो? एकांकी, है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग दो देखते हैं। कहता है जानवर, है ना, जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है? जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मोहन राकेश, है ना, मोहन राकेश। चलिए बगलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, थ्री देखते हैं। सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी की मुन्नी की अवस्था क्या थी? सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी की मुन्नी की अवस्था क्या थी, मैंने मुन्नी कितने वर्ष की थी, है ना। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 14 वर्ष की। कितने वर्ष की बगलो? तो 14 वर्ष की। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, फोर देखते हैं। कहता है मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है? मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अमृतसर पंजाब, अमृतसर पंजाब। चलिए बगलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग फाइव देखते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फाइव। कहता है मानक बिसनी से दूध की जगह क्या मांगता है? मानक बिसनी से दूध की जगह क्या मांगता है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पानी मांगता है। क्या मांगता है बगलो? पानी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए। कहता है परमात्मा आपको सुखी रखे, परमात्मा आपको सुखी रखे, यह कथन किसका है, है ना। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, आगंतुक लड़की, है ना, आगंतुक लड़की। चलिए अगला देखिए बगलो। कहता है क्वेश्चन नंबर सेवन कि अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है? अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मोहन राकेश, मोहन राकेश। चलिए बगलो, क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर एट देखिएगा बोलो। क्या कहता है मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मदन मोहन मुगलानी, मदन मोहन मुगलानी। चलिए बगलो, क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं। कहता है मुन्नी कौन थी? मुन्नी कौन थी? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बिश्नी की बेटी, है ना, बिश्नी की बेटी, ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग दस देखेंगे बगलो। कहता है सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है, सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, निम्न मध्य वर्ग की, है ना, निम्न मध्य वर्ग की। चलिए बगलो, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखिएगा बगलो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है। कहता है सिपाही की माँ एकांकी की बिशनी चारपाई के पास मेढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? इसका सही ऑप्शन है हमारा
ऑप्शन नंबर ए, सूत काटती है ना, सूत काटती मैंने धागा काटती हुई है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कहता है रंगून कहाँ है, रंगून कहाँ है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बर्मा में है बगलो, कहाँ है बर्मा में। चलिए कहता है क्वेश्चन नंबर 13 है ना, कि मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है क्या है बगलो, उसका नाम बताइए। इसका सही ऑप्षन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बोलो, कथा सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है, या फिर कहिएगा कि सिपाही की माँ के रचनाकार हैं तो कौन है बगलो। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मोहन राकेश है ना, मोहन राकेश। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं, 15 है ना। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15 कि विष्णु किस एकांकी की पात्रा है, विष्णु किस एकांकी की पात्रा है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सिपाही की माँ है ना, सिपाही की माँ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कहता है मानक की माँ का नाम क्या है, मानक की माँ का नाम क्या है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिशनी है ना, बिशनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कहता है मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने बर्मा गया था। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय विश्व युद्ध है ना, द्वितीय विश्व युद्ध। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखेंगे है ना, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कहता है, कहता है सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी है ना, माँ बेटी, माँ बेटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बोलो, कहता है मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सारिका है ना, सारिका। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, कहता है मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, चिट्ठी के लिए है ना, चिट्ठी के लिए। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कहता है ना, कहता है कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मोहन राकेश। कौन माने जाते हैं बगलो, तो मोहन राकेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कहता सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी है ना, दीनू कुम्हार है ना, दीनू कुम्हार। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखेंगे बगलो, कहता है 23 कि ईसाई लड़कियां बिशनी के घर आकर क्या मांगती है। इसका सही ऑप्शन बताइएगा क्या होगा हमारा, इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, चावल दाल मांगते हैं, क्या मांगते हैं बगलो, चावल दाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए बगलो, कहता है 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्तों में चलते रहे हैं, यह किसने कहा है, यह किसने कहा है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ईसाई लड़की है ना, ईसाई लड़की ने कहा था कि 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते से है ना चलते चलते आ रहे हैं, जंगल के रास्ते। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कहता है कि मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, है ना, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नई कहानी आंदोलन के, नई कहानी आंदोलन के। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 26 देखेंगे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है ना, मोहन राकेश की है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, न आने वाला कल, न आने वाला कल, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है किसकी माँ पागल हो गई है, किसकी माँ पागल हो गई है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सिपाही की, है ना, सिपाही की। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कहता है निम्नलिखित में बिश्नी की पड़ोसिन कौन है, निम्नलिखित में बिश्नी की पड़ोसिन कौन है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कुंती, है ना, कुंती। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कहता है कि मुन्नी किस दिन माना की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मंगलवार को, है ना, मंगलवार को। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कहता है कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चीर और कौओं के आगे डाल दूंगा, कौन कहता है बगलो। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सिपाही, है ना, सिपाही कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए बगलो, कहता है कि किसके कड़ों की मोती तारों की तरह चमकते हैं, किसके कड़ों की मोती तारों की तरह चमकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, तारों को, है ना, तारों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए बोलो, कहता है किस पाठ में यह उदाहरण आया है, है ना, किस पाठ में यह उदाहरण आया है। फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है, डॉटर डॉटर, है ना, इस तरह से। तो बताइए इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सिपाही की माँ, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं बगलो 33, है ना, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 8 जनवरी 1925 को, 8 जनवरी 1925 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कहता है इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है, इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जानवर और जानवर, है ना, जानवर और जानवर। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देखते हैं, देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 35 कि मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था, मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, जंडी वाली गली अमृतसर, है ना, जंडी वाली गली अमृतसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कहता है सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा बताइए, तो ऑप्शन नंबर होगा डी, है ना, अंडे के छिलके तथा अन्न एकांकी से लिया गया। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 का देखते हैं, कहता है मुन्नी और माना की माँ का नाम है, मुन्नी और माना की माँ का नाम है, बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, बिश्नी नाम है, है ना, बिश्नी नाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 देखेंगे, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 38 कि सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है, सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बर्मा में, कहाँ हो रही है, तो बर्मा में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, कहता है मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है क्या है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, सिपाही की माँ,
चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कहता है सिपाही की माँ कौन है, सिपाही की माँ कौन है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बिशन देई, है ना, बिशम बिशन देई। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, कहता है कि सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पड़ोसिन है, कौन है बोलो, तो पड़ोसिन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 देखिए बोलो, क्वेश्चन नंबर 42 कहता है ना, रवेश रवेश क्या होता है, रवेश क्या होता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, मोटे सूत की बुनी चादर, मोटे सूत की बुनी चादर, है ना। तो ये था बगलो आज का हम लोगों का 42 क्वेश्चन, है ना, जो हमारा चैप्टर नंबर 8 से था। अब आप कमेंट करके बताइए बगलो कि इस 42 क्वेश्चन में आपने कितना सही बनाया, ईमानदारी से बनाइएगा, है ना, और झूठ सच नहीं। और वीडियो अच्छा लग रहा है बगलो, आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, है ना। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बगलो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।